नमस्ते, मैं हूँ रंजनी और मैं हूँ निकिता। ग्रीन इंटर्नशिप शो में आपका स्वागत है। क्या आप हमें से एक और यह सोच रहे हैं कि 12th के बाद आप अपने जीवन में क्या करेंगे? क्या आपको कोई व्यवसाय शुरू करना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए या कौन सा करियर बनाना चाहिए? इसलिए हम आज शो के साथ हैं जिसका नाम है ग्रीन इंटर्नशिप शो, जिसमें हम आज ऐसे कई युवाओं से मिलने जा रहे हैं जो पूरे बिहार भर में अलग अलग क्षेत्रों में इंटर्नशिप कर रहे हैं और अलग अलग कौशल सीख रहे हैं। उन्हें वह व्यवसाय शुरू करने की जरूरत है जिसे वो शुरू करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं। वे जैविक खेती, मशरूम की खेती, टिकाऊ उत्पाद, मधुबनी पेंटिंग, ड्रिप सिंचाई, वर्मी कम्पोस्ट, पुनर्चक्रण, कचरा प्रबंधन और कोडिंग जैसे कई अन्य क्षेत्रों में उद्यमियों के साथ कार्य अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। अब आप उनसे पूछेंगे कि ग्रीन इंटर्नशिप या ग्रीन जॉब क्या है? यह वह है जो टिकाऊ है, जो जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखता है, जो कम प्रदूषण करता है, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता है, कच्चे माल का पुनर्चक्रण करता है और पर्यावरण के लिए हितकारी है, भले ही वो सीधे तौर पे एक हरित उद्यम ना हो जैसे कि एक तकनीकी व्यवसाय। जब तक व्यवसाय स्थायी रूप से संचालित नहीं होता, इस शो में हम जानेंगे कि इंटर्नशिप प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, आप कौन से कौशल सीखेंगे, इंटर्नशिप कैसे करेंगे, पेशेवर सेटअप में काम करना कैसा होता है, यह आपकी कैसे मदद करेगा और भी बहुत कुछ। प्रत्यक्ष अनुभव के साथ आप स्वयं के बारे में जान पाएंगे, ना कि किसी और के अनुभव के आधार पर। उस व्यवसाय के बारे में जिससे आप शुरू करना चाहते हैं या फिर नौकरी करना चाहते हैं। तो आइए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में बात करने जा रहे हैं पुनर्चक्रण के बारे में। हाय, मेरा नाम रेहाना परवीन है। आज हम बात करेंगे रिसाइकलिंग ट्रेनिंग करने वाले युवाओं से। आइए चलिए इन युवाओं से बात करते हैं। नाम क्या है? मेरा नाम रोशनी कुमारी है। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 9 में पढ़ती हूँ। आप कहाँ रहते हैं? मैं गाजपाड़ा में रहती हूँ। आप रिसाइकलिंग का ट्रेनिंग कर रहे हैं? जी हाँ। इस पेशे के बारे में आप क्या जानते हैं? इस पेशे के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। क्या आपने कोई रिसर्च किए हैं? जी हाँ, गूगल और यूट्यूब पर रिसर्च किए हैं। आपका नाम क्या है? अजनबी करवीन। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? 9 क्लास में। आप कहाँ रहती हैं? गाजपाड़ा में। आपका ट्रेनिंग कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। क्या ये वैसा ही चल रहा है जैसा आपने उम्मीद की थी? जी हाँ। हाँ तो क्यों? ये वैसा ही चल रहा है जैसा हमने देखा था, अपने दोस्तों से सुना था और जैसे ये बहुत ही अच्छा चल रहा है और हम ये सीख रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप कौन से कौशल सीख रही हैं? हम सिलाई सीख रहे हैं, पेपर कटिंग सीख रहे हैं और बोरी से झोला बनाना सीख रहे हैं और इसे किस प्रकार से बाजार में बेचा जाता है ये कौशल सीख रहे हैं। यह इंटर्नशिप ट्रेनिंग कितने दिनों का है? यह इंटर्नशिप ट्रेनिंग 10 दिनों का है। क्या आपके लिए यही काफ़ी है? जी हाँ। आप अपने अनुभव के बारे में बताएं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि ये ट्रेनिंग हमें सीखने का मौका मिला है और ये हम सीख रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इस ट्रेनिंग से आप क्या सीखने की उम्मीद करते हैं? इस ट्रेनिंग से हम झोला बनाने का सीखने की उम्मीद कर सकते हैं। क्या आप नर्वस हैं? जी नहीं। आप अपने मित्रों से क्या सुन रहे हैं? हम अपने मित्रों से यही सुन रहे हैं कि ये जो ट्रेनिंग सिखाया जा रहा है ये बहुत ही अच्छा है और हम ये सीख रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेशमा परवीन है। मेरा नाम सुहानी बेगम है। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? हम HS गाजपाड़ा स्कूल में पढ़ते हैं। आज का दिन खत्म हो गया है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या ऐसा कुछ है जो आप सीखना चाहते थे पर इंटर्नशिप में नहीं सीख पाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बचा जो हम इस इंटर्नशिप में नहीं सीख पाए। अपना बिजनेस शुरू करने वाले इच्छुक युवाओं के लिए आपके पास क्या सलाह है? हम उन युवाओं को यही सलाह देना चाहते हैं कि वो खुद से सीए कागज का डिजाइन बनाए, बोरा का झूला बनाए और इसे बाजारों में बेचकर अधिक पैसा कमाए। क्या आप हमें 5 कौशल के बारे में बता सकते हैं जो आपने सीखे हैं? हाँ, बता सकते। बताइए। सिलाई करना, कागज का कटिंग करना, बोरा का झूला बनाना और इसे बाजार में बेचना। युवाओं को इंटर्नशिप और कार्य अनुभव क्यों मिलना चाहिए? युवा को इंटर्नशिप और कार्य अनुभव इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपना बिजनेस स्थापित कर सके। आप हमें कुछ बता सकते हैं जो आपको सीखना चाहिए था? जी हाँ। आप इस इंटर्नशिप में नहीं सीखे और अगले इंटर्नशिप में सीखने की उम्मीद करते हैं? जी हाँ, हम इस इंटर्नशिप में सेल्फ डिफेंस सीखना चाहते थे जो कि हमने सीखा, उम्मीद है अगले इंटर्नशिप में सीखेंगे। तो जैसा कि हमने देख लिया है, इंटर्नशिप के बारे में क्या सोचते हैं, तो आइए अब हम किशनगंज जिले के उगनी की बात करते हैं। हाय अंकल। हाय। आपका नाम क्या है?
जी हमारा नाम मोहम्मद लगन है। आप कहाँ रहते हैं? मैं मोदिनपुर में रहता हूँ। और आप क्या करते हैं? जी मैं किराना दुकान से सर बोरा खरीदता हूँ, ऐसा बोरा खरीद करके खुद का झोला बना करके बिजनेस कर रहा हूँ मैं। आपने व्यवसाय कैसे शुरू किए क्योंकि हमें संक्षेप में बताएं। देखिए हमने जो कारोबार शुरू किया है 10-15 साल से इसमें शुरू किया हूँ और 10-15 साल से हमारा कारोबार बहुत ही अच्छा चल रहा है। हमारे अंदर में दो चार आदमी काम भी कर रहे हैं, मैं माल तैयारी करता है, मैं इसको सप्लाई करता हूँ मार्केट में। छात्रों के प्रति आपके मूल्यांकन क्या है? देखिए हमारे ट्रेनिंग में तो बहुत सारे बच्चे सीखे हैं, हमने सभी बच्चे को अच्छे तरीके से मशीन चलाना बताया, झोला बनाना बताया। क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा छात्र है जो अपने कौशल के साथ खड़े उतरे हैं, वे कौन है, उनका क्या कौशल है, उनके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए हमने तो बहुत सारे बच्चे को बताया काम, लेकिन हमें उम्मीद है कि दो बच्चे जो है, दो छात्र, वो बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब उनको समझ में आ गया कि हम जो झोला बना करके अगर इसको व्यवसाय शुरू करें तो बहुत ही अच्छा चलेगा। आपके व्यवसाय शुरू करने वाले इच्छुक युवाओं के लिए आपके पास क्या सलाह है? देखिए मेरा सलाह ये है कि जो बच्चे मतलब सीखी हैं तो अपना खुद का कारोबार कर सकती हैं, मशीन ले सकती हैं। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो सरकार से मदद ले सकती हैं, मदद ले करके खुद का बिजनेस अपना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। आइए देखते हैं दरभंगा में इंटर्नशिप कैसा चल रहा है। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, आप सभी का इस ग्रीन इंटर्नशिप शो में स्वागत है। क्या तुम्हें दादा पता है ये रिसाइकलिंग इंटर्नशिप हमारे दरभंगा जिला में चल रहा है, तो चलो आज हम वहाँ के कुछ स्टूडेंट से मिलके बातें करते हैं। लेट्स गो। आपका नाम क्या, किस जिले से? मेरा नाम सपना कुमारी, हम दरभंगा जिला से। तो सपना, आप क्या ग्रीन इंटर्नशिप आप हो? जी हाँ, मैं ग्रीन इंटर्नशिप में हूँ। क्या रिसाइकलिंग उद्यम के बारे में आपको पहले से जानकारी थी? जी नहीं, मुझे पहले से रिसाइकलिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया। आपका इंटर्नशिप कैसे चल रहा है? जी हमारा इंटर्नशिप बहुत ही अच्छा चल रहा है, यहाँ आके हमें ग्रीन इंटर्नशिप के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। क्या ये वैसा ही चल रहा है जैसा आपने इसके बारे में सुना? जी हाँ, ये हमारी उम्मीद से भी अच्छा चल रहा है। अब इस पैसे के बारे में क्या जानते हैं? इस पैसे में पुरानी चीजों को यूजफुल बनाया जाता है। ये ट्रेनिंग कितने दिनों की है? ये ट्रेनिंग 10 दिनों की है। आपको ये उद्यमी से क्या प्रतिक्रिया मिली है? जी हमें उद्यमी ने बताया है कि यह कम लागत में अच्छा व्यवसाय है तथा इसमें मुनाफा प्राप्त होता है। क्या आपने अपने मित्रों और सहयोगियों से इसके बारे में बात की थी? जी मैंने अपने मित्रों और सहयोगी से इसके बारे में बात की और ये उसे ज्वाइन करना चाहते हैं। क्या आपने शोध किया है? नहीं, मैंने ये शोध नहीं किया है। आपको कैसे लग रहा है? जी हमें अच्छा लग रहा है, यहाँ आने के बाद हमें ग्रीन इंटर्नशिप और रिसाइकलिंग के उद्यम के बारे में पता चला है। क्या आप यहाँ 5 कौशल बता सकते हैं जो आपने यहाँ सीखा है? योजना बनाना, प्रबंध करना, टीम वर्क, रिसाइकलिंग प्रोसेस, जलवायु परिवर्तन की रोकथाम कर सकते हैं। अपना व्यापार शुरू करने वाले व्यक्ति के लिए क्या राय होगा? अपना व्यवसाय शुरू करने वाले व्यक्ति के लिए मेरी तरफ ये सलाह है कि उन्हें इंटर्नशिप जरूर करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें हमें कौशल और अनुभव प्राप्त होता है। तो जैसा कि हमने देख लिया है इंटर्नशिप के बारे में क्या सोचते हैं, तो आइए अब हम दरभंगा जिले के उद्यमी से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मी देवी है। और आप किस जिले से हैं? दरभंगा जिले। आप क्या करते हैं? मैं पुरानी चीजों जैसे बोतल, प्लास्टिक, कार्टून से आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें बनाती हूँ। आपने ये व्यापार कैसे शुरू किया? बचपन से मेरा रुचि आर्ट एंड क्राफ्ट में थी, कम लागत में व्यवसाय शुरू करना था, इसलिए मैंने यह व्यवसाय शुरू की। आइए देखते हैं किशनगंज में इंटर्नशिप कैसा चल रहा है। हेलो नमस्ते, मेरा नाम लिपि रॉय है। और मेरा नाम लक्ष्मी गोस्वामी। आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल प्रोडक्ट इंटर्नशिप के बारे में और हम छात्रों से जानेंगे कि वो पुराने कपड़ों से क्या क्या बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं उनके पास। आपका इंटर्नशिप कैसा चल रहा है? मेरा इंटर्नशिप बहुत अच्छा चल रहा है। क्या यहाँ वैसा ही चल रहा है जैसा आपने उम्मीद की थी? हाँ, यह वैसा ही चल रहा है जैसा हमने लेकिन ट्रेनिंग के बाद हमें यह पता चला कि पुराने कपड़े से बहुत सारे यह इंटर्नशिप कितने दिनों का? आपको लगता है
यह समय काफ़ी है। यह इंटर्नशिप 10 दिनों के लिए हमारे लिए यह समय काफ़ी है। क्या आप नर्वस हैं? पहले हम नर्वस थे लेकिन अब आप नर्वस। आपका नाम क्या है, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, आप कहाँ से? मेरा नाम श्वेता कुमारी है, हम 9 क्लास में पढ़ते हैं। मेरा नाम महामारी है। आप सस्टेनेबल प्रोजेक्ट का इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप इस पैसे के बारे में क्या जानते हैं? अच्छा, आपने कोई रिसर्च की है? पहले हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे लेकिन ट्रेनिंग के बाद हम जानते हैं कि पुरानों कपड़ों से बहुत सारी चीज़ बनाए जाते हैं। यह इंटर्नशिप कितने दिनों की है, आपको लगता है यह समय काफ़ी है? यह इंटर्नशिप 10 दिनों की है। हाँ, यह समय हमारे लिए काफ़ी है क्योंकि हम इससे पुराने कपड़े से बहुत सारी चीज़ बनाने सीखे हैं। इस इंटर्नशिप में क्या आप सीखने की उम्मीद करते हैं? इस इंटर्नशिप में हम शॉपिंग बैग, सिंपल बैग सीखने की उम्मीद रखते हैं। आपका इंटर्नशिप कैसा चल रहा है? मेरा इंटर्नशिप बहुत अच्छा चल रहा है। आप अपने मित्रों सहयोगियों से क्या सुन रहे हैं? हम अपने मित्रों सहयोगियों से सुन रहे हैं यदि दोबारा ट्रेनिंग में तो हमें भी बताना। क्या आप नर्वस हैं? नहीं, पहले हम नर्वस थे लेकिन अब आत्मनिर्भर हैं। क्या आपके इंटरव्यू से कोई आज का दिन खत्म हो गया, आपको कैसा लगा? क्या कुछ ऐसा था जो आप सीखना चाहते थे पर आपने सीख पाए? आज का दिन खत्म हो गया, अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है। बुरा इसलिए लग रहा है कि ट्रेनिंग खत्म हो गया, और अच्छा इसलिए लग रहा है कि ट्रेनिंग हम लोग करेंगे, हम लोग और कुछ सीखेंगे। क्या आप हमें 5 क्वेश्चन बता सकते हैं जो आपने सीखा? मेहनत, लगनशील, ईमानदारी, समूह के साथ कार्य करना तथा समय पे करना। क्या कुछ ऐसा है जो आप सीखना चाहते थे पर इस ट्रेनिंग में अपने सिर पर और इसके आगे उम्मीद करते हैं? हम जो सीखना चाहते थे उसे अपना व्यवसाय शुरू करने वाले बच्चों परिवारों के लिए आपके पास क्या सलाह है? हम यह सलाह देंगे कि कोई भी काम करने में बड़ा या छोटा नहीं मिलता है, इसलिए हमें किसी भी काम में लगा कर रखना चाहिए। तो जैसा कि हमने देख लिया है इंटर्नशिप के बारे में क्या सोचते हैं, तो आइए अब हम किशनगंज जिले के उद्यमी की बात करते हैं। मेरे विचार से सब लोग सब बता लो सीखे, सब आगे बढ़े, सब कोई व्यवसाय करे, कोई बाजार में लेकर बेचे, कोई अपना अपना दुकान खोले। आइए देखते हैं पटना में इंटर्नशिप कैसा चल रहा है। ग्रीन इंटर्नशिप शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी हुआ। मेरा नाम अर्चना कुमारी हुआ। आज हम पटना में हैं, तो चलिए चलते हैं रिसाइकलिंग की इंटर्नशिप पे, उन बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सीख रही है। तो आप रिसाइकलिंग के इंटर्नशिप पर हैं? हाँ, मैं रिसाइकलिंग इंटर्नशिप पर हूँ। तो आपको इसके बारे में कहाँ से पता चला? हमको इसके बारे में स्कूल से पता चला। स्कूल में एक गोइंग टू स्कूल से एक मैम आई थी, उन्होंने हमें इसके बारे में। तो आप इसके बारे में कोई रिसर्च कर रही? नहीं, हमने इसके बारे में कोई रिसर्च नहीं किया है। कितना समय की है इंटर्नशिप है? ये इंटर्नशिप 10 दिन है। क्या आपको लगता है कि 10 दिन आपके लिए काफ़ी है? हाँ, पहले दिन जैसे जो बताया जा रहा है उसके बाद 10 दिन हमारी काफ़ी है। क्या ये इंटर्नशिप से आपको सीखने की उम्मीद करती हैं? हाँ, इस इंटर्नशिप को करते हैं हम लोग बहुत सी सीखने की उम्मीद करते हैं, कैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में बेकार चीज़ को यूज़ करके रोजगार का साधन ला सकते हैं और बातों में कैसे सीख रहे हैं। क्या आप नर्वस हैं? हाँ, मैं नर्वस हूँ अब, पर अब नहीं। क्यों?
क्योंकि जब नए नए पैदी थी तो नए नए लोग आए थे तो हमें नर्वस था। थैंक यू, आप लोग से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं। प्रैक्टिकल आपका इंटर्नशिप कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, हमने जैसे उम्मीद की थी उससे बहुत अच्छा। क्या आपको उम्मीद की प्रक्रिया मिली है? हाँ, हमें उम्मीद की प्रक्रिया मिली है। कैसे हम वातावरण को शुद्ध रख सकते हैं, कैसे बीमारियों से बच सकते हैं और कैसे अपनी बेकार चीजों का यूज करके रोजगार का साधन बना सकते हैं। आप अपने कुछ अनुभव के बारे में बताएं। हम लोग ने बहुत कुछ अनुभव किया है कि कैसे ये बेकार चीज को यूज करके रोजमर्रा की जिंदगी का रोजगार का साधन बना सकते हैं, कैसे वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं और कैसे आर्थिक को व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं। हमें आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा और हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो जैसा कि हमने देख लिया है, इंटर्न्स इंटर्नशिप के बारे में क्या सोचते हैं, तो आइए अब हम पटना जिले के उद्यमी से बात करते हैं। नमस्ते सर। सर आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम पंकज कुमार है। सर आप किस जिले से? मैं पटना चिड़िया टर्न मोहरा से हूँ, पटना जिला टर्न मोहरा। मैं रिसाइकलिंग कार्य करके बेकार पड़े रद्दी सामानों से, कबाड़ से, कचरे से नया उत्पाद बना करके रिसाइकलिंग के माध्यम से और जलवायु परिवर्तन को बचाते हुए इको फ्रेंडली खिलौना और ये सब मैं बनाता हूँ और अपना जीवन पालन करता हूँ। सर आप अपना व्यवसाय कैसे शुरू किए बताएं। सर्वप्रथम अपना व्यवसाय शुरू करने की चाहत मेरे में बचपन से थी, ताकि मैं एक स्वयं एक कलाकार हूँ, उनका काम करता था और बचपन से ही मेरी रुचि थी कला एवं क्राफ्ट के काम में। घर में कुछ आर्थिक जरूरत पड़ी, हमें ऐसा समय आया कि जब कुछ रुपये की आवश्यकता पड़ी तो घर में बेकार पड़े थे स्कूलों से मैंने उसे नया रूप देना शुरू किया और इस तरह से घर के आंतरिक लिए सज्जा के सामान, बहुत सारे वॉल हैंगिंग, पेंट स्टैंड, फ्लावर पॉट की यूजफुल चीज जो हमारे उपयोगी हों मानव जीवन के लिए, वैसे सामान का निर्माण करना शुरू किया और धीरे धीरे इसे मार्केट में, गिफ्ट आइटम के दुकान में, मॉल में, ये सब जगह पर देखना शुरू किया और मैं आज उसी के उपार्जन से जीता हूँ। अभी तक जो हमारा इंटर्नशिप स्कूल की तरफ से संचालित हो रहा है जिसमें पेपर रिसाइकलिंग का वर्क बताया गया, जिसमें हमारी बहुत सारी छात्राएं जुड़ी हुई हैं, करीब 33-32 के करीब अभी सीख रही हैं और जिसमें खुशबू हो गई, नेहा हो गई, आपका काजल हो गई, आस्था हो गई, आपका अर्चना हो गई, इस तरह से बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अच्छे रूप से इस कार्य को निष्पादन किए हैं और सीखी हैं और खुद भी अपना एक व्यवसाय आगे शुरू करके और जिनको पार्जन करेंगी और आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर होंगे। आज के बढ़ती जनसंख्या के अनुसार जिस प्रकार से और जलवायु परिवर्तन के क्लाइमेट चेंज के कारण हमारे मानव जीवन पर जो कुछ प्रभाव पड़ रहे हैं, उसके जो दुष्परिणाम आ रहे हैं, तो आज रोजगार की जो संकट है, जो समस्या उत्पन्न हो गई है, बहुत सारे ऐसे पढ़ लिख करके भी बेरोजगार बने हुए हैं, तो उनसे मैं उन युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि चूँकि ये रिसाइकलिंग वर्क है, इको फ्रेंडली कार्य है, पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है और किसी कचरे या कबाड़ का भंडारण करने के बजाय उसका प्रबंधन करके उसे नए उत्पाद बना करके और बाजार में एक बिक्री का माध्यम बनाया जाए तो इससे आत्मनिर्भर बनता है, आर्थिक मदद भी मिलती है, आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अच्छी पहल होती है और इस प्रकार जो हमारे बेरोजगार युवा और अशिक्षित या शिक्षित युवा बैठे हैं जो रोजगार की तलाश में, उनको एक रोजगार मिल जाता है। धन्यवाद। तो आज हमने सीखा कि प्रदूषण कम करने के लिए रिसाइकलिंग कैसे करते, यह अब आपके पास है। अब आपने इंटरप्राइज के बारे में सब कुछ जान लिया, जैसे कि आपने हमें काम करते हुए और कार्य अनुभव प्राप्त करते हुए देखा, तो क्या आपको लगता है कि हमें काम करते वक्त देखते समय आपने भी कुछ सीखा? हाँ, बहुत खूब। हमें लिखे और हमें बताएं कि आपने क्या क्या सीखा। और अगर आपको भी इंटर्नशिप करना है तो www.goingtoschool.com पर हमारे साथ संपर्क करें या फिर स्क्रीन पर आ रहे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल करें। हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं ताकि आपको इंटर्नशिप के रोमांचक सफर पर भेज सकें।
और 12वीं के बाद अपना करियर शुरू करने में मदद करें। फिर मिलते हैं। हे एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा आज का ये शो देखने के लिए। क्या आप सबको मजा आया? क्या आपने एंजॉय किया? सुपर। क्या आप भी ग्रीन एंटरप्राइज के साथ जुड़ना चाहते हो या फिर इंटर्नशिप पाना चाहते हो? चलो, ये मौका भी है आपके पास। आर यू गाइस एक्साइटेड नाउ? एक्साइटमेंट तो होगी ही आज तक। तो चलिए, आप लोगों के पास मौका है एंटरप्रेन्योरियल स्किल सीखने का और एक या एक से ज्यादा ग्रीन एंटरप्राइज इंटर्नशिप करने का। तो साइन अप करने के लिए उस पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए और ज्वाइन कीजिए आज ही ग्रीन एंटरप्राइज इंटर्नशिप। सो कौन कौन सी इंटर्नशिप आप कर सकते हो? बी कीपिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सोलर इंस्टॉलेशन, सोलर प्रोडक्ट्स, वेस्ट मैनेजमेंट, वर्मी कंपोस्ट, इसके साथ साथ बायोगैस, और हाँ, और भी बहुत सारी स्किल्स आप सीख सकते हैं इंटर्नशिप करके। ये जो आप सारा दिन हाथ में फोन पकड़े बैठे हैं, जरा उसका इस्तेमाल कीजिए, कुछ फायदा उठाइए, कॉल और व्हाट्सएप कीजिए और साइन अप कीजिए आज ही फॉर ग्रीन एंटरप्राइज इंटर्नशिप के लिए। हेलो एंड वेलकम टू यूथ वेंचर फंड, एक मौका यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो क्या आप हैं अगले ग्रीन एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर जो इस दुनिया में बदलाव ला सकते हैं? क्या आप भी ग्रीन एंटरप्राइज के साथ जुड़ना चाहते हो या फिर इंटर्नशिप पाना चाहते हो? उसके लिए आपको क्या करना है? स्क्रीन पे देखिए जो भी नंबर आपको दिख रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए और ज्वाइन कीजिए आज ही ग्रीन एंटरप्राइज इंटर्नशिप।